जय बाबा भोलेनाथ, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। आज इस नए सफर की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के साथ हुई है। आज हम जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने, बाबा मन्नाथ जी के दर्शन करने, बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने। ये हमारा सफर जो शुरू हुआ है, आज हमें हमारा टारगेट है कि हमें आज कटरा पहुंचना है। बाकी जैसे माता रानी की कृपा, बाबा भोलेनाथ की कृपा, उसके बाद हम चलेंगे सीधा बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने पहलगाम रूट के द्वारा। फिर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हुए हम निकलेंगे श्रीनगर, श्रीनगर वाया गुलमर्ग, गुलमर्ग से होते हुए वापस लेह लद्दाख। लेह लद्दाख की वादियाँ इस चैनल के द्वारा हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर लेह लद्दाख से हल्ले से होते हुए मनाली से होते हुए वापस। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा पेश की गई, हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई YouTube के माध्यम से वीडियोस पसंद आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये एक नया सा, अनोखा सा, नया सा सफरनामा। चलिए आप और मैं इसे अब शुरू करते हैं। जय बाबा भोलेनाथ। ये रोड तो बड़ी अच्छी है लेकिन गड्ढे बहुत हैं, जगह जगह गड्ढे गड्ढे गड्ढे। लुधियाना, लुधियाना से कटरा आज अपना ये टारगेट है। देखो कितना पूरा होता है। कोशिश तो पूरी रहेगी कि आज कटरा पहुंच जाए। भाई साहब धूल ही धूल उड़ा दी। अरे ट्रक महाराज कितनी धूल उड़ाओगे। भाई साहब जानबूझ के और धूल उड़ा रहा है। लो भाई साहब इधर भी जाम, इधर भी। चलो रास्ता क्लियर। भाई साहब बैंड बजी पड़ी है बिल्कुल, गर्मी के मारे हालत खराब हो रही है एकदम। अब तो जब तक, अरे भाई साहब गर्मी कितनी पड़ रही है यार, हालत खराब है। जैकेट के अंदर तो पूरा शरीर पसीने पसीने हो रहा है। अब तो फटाफट श्रीनगर पहुंचे, जवाहर टनल पार कर लेना, उसके बाद तो फिर क्या है, फिर शांति आ जाएगी। वो शांति मत समझना, मन की शांति, मतलब शरीर को राहत मिलेगी। बाकी तो गर्मी से बुरा हाल है। चलो भोलेनाथ की तो कम से कम इतनी बड़ी कृपा है कि बारिश नहीं है, चैन से आराम से जा सकते हैं। बारिश होती ना भाई साहब लंका लग जाती। बाकी आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। माता रानी के पास चलना है, माता रानी ने बुलाया है, माता रानी के दर्शन करेंगे, फिर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। सुहाना सफर है सुहानी हंसी। बाइक चलाने का भी मजा ऐसी खाली रोड पे कुछ अलग ही होता है। अब देखिए अपन इधर चल रहे हैं खाली रोड और उधर से ट्रैफिक आया जा रहा है। अपने पास ट्रैफिक नहीं है ना, सबसे बढ़िया। जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से चलेंगे, चलाने का मजा। लेकिन एक बात है फिर भी, क्या है, ट्रैफिक नहीं होता ना, बोर होने लग जाते हैं। बाबा की जय हो। कहाँ लिया है, कैसे रास्ते पे। भाई साहब हालत खराब है, एक तो गर्मी के मारे हालत खराब है, ऊपर से इन गूगल बाबा की जय हो।
अभी पीछे 1 किलोमीटर का पैच इतना गंदा था, खराब पड़ा था बिल्कुल एकदम। चलो अब तो थोड़ा बहुत शांति मिली, ऊपर से गर्मी ऐसा, आपसे मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ, इतने पसीने आ रहे हैं अंदर। यार सब चीज़ कर दी बाइक में, एक एसी और लगा दे, हेलमेट वगैरह है बाइक में, तो कम से कम शांति तो मिले। बाइक राइडिंग जितना देखने में सही लगता है ना कि इजी है हम कर लेंगे, होता नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ इन द सेंस मतलब, अब आप देखिए हर टाइम आपको चौकस रहना पड़ता है रोड पे, चारों तरफ नज़रें रखनी पड़ती हैं, फिर इतनी गर्मी, जैकेट पहन रखी है तो गर्मी कितनी होगी सोच लीजिए, गर्मी इतनी कि मतलब सहन नहीं हो पा रही, ऊपर से भाई साहब धूल उड़ रही है दबा के, शरीर की बैंड बजी पड़ी है बिल्कुल एकदम। अब देखो कोशिश तो यही है कि आज कटरा पहुंच जाए, माता रानी अब जो चाहेगी वही होगा। रर 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 रर। भाई साहब पूरी लेह लद्दाख की ऑफ रोडिंग यही हो रही है आज तो। ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है यहीं से ही। गूगल बाबा थोड़ा रहम कर लो, कहाँ से लेके जा रहे हो, कमर की तो आज बैंड बज जानी है बिल्कुल। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले अपडेट के साथ। कितना तेल खा जाएगा वहाँ पे? देखो जितना खा जाए उतना बढ़िया है। करते यही है, बाइक पे घूमते हैं, बाइक पे घूमते हैं। अभी इतनी तेज बारिश आई कि मतलब टाइम भी नहीं मिला कि फटाफट रेन गियर्स पहने, रेनकोट पहनो फटाफट विद इन अ सेकेंड। ओ भाई साहब रेनकोट भी नहीं पहन पाई, इतनी तेज तो बारिश आ गई। और हार्डली मतलब ये मान के चलो कि हम मतलब मुश्किल से मैं चला 2 किलोमीटर, 2 या 3 किलोमीटर, इतने में बारिश ख़त्म। और भाई साहब आगे धूप ही धूप, एक तो जैकेट ऊपर से रेनकोट, भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब किसी भट्टी में डाल दिया हो, किसी भट्टी में डाल दिया हो। तो तुरंत दोबारा मोटरसाइकिल रोकी, भाई साहब गियर वो रेनकोट उतारे, तब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है, नहीं तो हालत एकदम जैसे कहना चाहिए ना क्या बोले यार, छोड़ा यार छोड़ा। कि हम चल रहे हैं नरवाना के रास्ते पे फिलहाल में, और यहाँ से फिर संगरूर होते हुए लुधियाना पहुँचना है। पीछे पैच इतना ज़्यादा ख़राब आ गया कि भाई साहब 1 घंटे में 40 किलोमीटर पार किया कुल, हुआ ही नहीं। इधर से इधर जाते तो इधर ख़राब, उस साइड जाते तो उधर ख़राब, ओपन वे रोड सारा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर दिमाग ख़राब हो गया। बस ऐसे ही है, चलो बाकी का क्या लिखा है आगे। जिन के लिए इधर मुड़े हैं, संगरूर के लिए सीधा जाए, पटियाला के लिए सीधा जाए, तो भाई साहब हम चल रहे हैं संगरूर। स-
संगरूर 113 किलोमीटर, पटियाला 130 किलोमीटर, नरवाना 31। कितनी सुनसान हो रखी है, कहीं छांव कहीं गर्मी, फिर भी एक राइडर को चलते जाना है। यही हर एक राइडर की पहचान है, ना गर्मी से डरना ना सर्दी से डरना, बस चलते ही जाना, अपनी मंजिल पे है पहुंचना। वाह, शायरी हो गई। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden. आधे घंटे ब्रेक के बाद हम निकल चुके हैं अपने सफर पर। भाई साहब, हालत बहुत खराब है। 3 ग्लास बंटा पिया, उसके बाद जाके शांति मिली है। इसलिए धीरे चलो, संयम से चलो और सावधानी से चलो। कहते हैं ना, हर जगह लिखा रहता है सुरक्षा से क्या नाम है, देरी से सुरक्षा भली, तो वही काम है। देरी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षा पहले। हमने बस अब मलेरकोटला के पास पहुंचने वाले हैं। ये रोड देखे कुछ सुकून सा मिला, चारों तरफ मतलब दोनों रोड साइड पे हरियाली है, ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा महसूस हो रही है, लेकिन उससे बहुत बढ़िया जो हम पीछे से क्या है। ठीक है, वन वे रोड है, मीन्स सिंगल रोड है, तो लेकिन अच्छा है, कोई गड्ढे नहीं है, कोई टूटा हुआ नहीं है। संगे हम मलेरकोटला पहुंच चुके हैं, अब यहां से निकल रहे हैं हम सीधे लुधियाना के लिए। और रोडों की हालत देखो, कैसे लुधियाना पहुंचेंगे ऐसे रोडों से। सारी ऑफ रोडिंग, सारी सब कुछ, सारे एडवेंचर आज ही होंगे। ये टकाटक एकदम मक्खन वाला हाईवे आ गया जलंधर के लिए। भैया ने पीछे हमने वो बंटा पिया था, अरे वाह, उसी से जान आई है शरीर में, नहीं तो बिल्कुल बैंड बज गई थी शरीर की। मस्त बनाया था भैया ने, और क्या लिए, मात्र 20 रुपये, सही है, नॉर्मल रेट है। ऐसा नहीं कि किसी को ग्राहक को देके उन्होंने ज़्यादा मांग लिया, बिल्कुल नॉर्मल एकदम वाजिब रेट लिया। और बड़े मीठे, बड़े प्यार से बातें की उन्होंने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे थे भैया। हमने अभी कुछ देर पहले जलंधर पार किया है और हम निकल चुके हैं पठानकोट की ओर। पठानकोट यहाँ से लगभग 100-101 किलोमीटर है और जम्मू लगभग 200-210 किलोमीटर के आसपास। तो देखो क्या होता है, अपना तो टारगेट ये है कि क्या नाम है, अभी बज रहे हैं आपके लगभग 5:15, तो 5:15 8:30 बजे तक जम्मू, तो 9:30 तक कटरा पहुँच सकते हैं।
शाम हो चली है, जम्मू अभी पहुंचना है। कहाँ है जम्मू? जब शरीर थका होता है ना, एक एक सेकंड भारी पड़ती है, नहीं तो एक जम्मू जैसे 100 जम्मू आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शरीर थक गया, ये जम्मू कब आएगा?